हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसी में बैठने से क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एयर कंडीशनर गर्म तापमान से राहत देकर आपको ठंडक और सुकून का एहसास कराता है, वह भी बगैर शोर शराबे के। यही कारण है कि अब पंखे और कूलर से ज्यादा एसी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। दिन में तो 8 घंटे आप एसी में बैठते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लंबे समय तक एसी में बैठना आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, बुखार या थकान। लंबे समय तक एसी में रहने से आपको लगातार हल्का बुखार और थकान बने रहने की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, इसका तापमान ज़्यादा कम होने पर आपको सिर दर्द और चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है। अगर आप एसी से निकलकर सामान्य तापमान या गर्म स्थान पर जाते हैं तो आप लंबे समय तक बुखार से पीड़ित हो सकते हैं। नंबर 2, जोड़ों में दर्द। लगातार एसी के कम तापमान में बैठे रहना सिर्फ घुटनों की समस्या ही नहीं देता, बल्कि आपके शरीर के सभी जोड़ों में दर्द के साथ साथ अकड़न पैदा करता है और उनकी कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। आगे चलकर यह हड्डियों से जुड़ी बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। नंबर 3, ब्लड प्रेशर व अस्थमा। अगर आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं हैं तो आपको एसी से परहेज करना चाहिए। यह लो ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार हो सकता है और सांस संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। अस्थमा के मरीजों को भी एसी के संपर्क में आने से बचना चाहिए। नंबर 4, मोटापा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह पूरी तरह सच है कि एसी के इस्तेमाल से आपके शरीर में मोटापा बढ़ सकता है। तापमान कम होने के कारण हमारा शरीर अधिक सक्रिय नहीं हो पाता और शरीर की ऊर्जा का सही मात्रा में उपयोग नहीं हो पाता, जिससे मोटापा बढ़ता है। नंबर 5, त्वचा की समस्याएं। एसी के दुष्प्रभाव आपकी त्वचा पर भी दिखाई देते हैं। यह आपकी त्वचा की प्राकृतिक नमी समाप्त कर सकता है, जिससे आपकी त्वचा में रूखापन महसूस होता है। नंबर 6, रक्त संचार। एसी में बैठने से शारीरिक तापमान कृत्रिम तरीके से ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे कोशिकाओं में संकुचन होता है और सभी अंगों में रक्त का संचार बेहतर तरीके से नहीं हो पाता, जिससे शरीर के अंगों की क्षमता प्रभावित होती है। नंबर 7, मस्तिष्क पर असर। एसी का तापमान बहुत कम होने पर मस्तिष्क की कोशिकाएं भी संकुचित होती है, जिससे मस्तिष्क की क्षमता और क्रियाशीलता प्रभावित होती है। इतना ही नहीं, आपको लगातार चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है। क्या आपको इन फैक्ट के बारे में पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।